आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। राजस्थान के भीलवाड़ा से मिला सुराग। मंदसौर में पकड़ा है गोवंश के दो फरार आरोपी। पुलिस ने गोवंश अधिनियम की धाराओं के साथ 420 की धाराओं के साथ न्यायालय में पेश किया। दूसरे नंबर की नंबर प्लेट लगाकर चला रहा था ट्रक। दिनांक 10 दिसंबर 2022 को चौकी हिला पड़ावा पुलिस ने एक ट्रक क्रमांक RJ09GC6305 को पीछा कर शेरी नाका गाड़ग्याम के पास पकड़ा था, जिसमें 61 गोवंश भरे हुए थे, जिनमें से 4 गोवंश की मृत्यु हो गई थी। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया था। थाना चैनपुर पर ट्रक क्रमांक RJ09GC6305 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 443/22 धारा 4.69 गोवंश वध 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया था कि गोवंश के अवैध परिवहन पर अति संवेदनशील श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन श्री धर्मवीर सिंह द्वारा अवैध गोवंश परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को गोवंश के लंबित अपराधों में आरोपितों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। SDOP महोदय भीकनगांव श्री संजू चौहान व थाना प्रभारी चैनपुर श्री निर्मल कुमार श्रीवास के मार्गदर्शन में एक टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रतलाम की ओर रवाना किया जाना था। चौकी प्रभारी हिला पड़ावा सहायक उप निरीक्षक रमेश पवार के नेतृत्व में तैयार टीम सहायक उप निरीक्षक चंद्रकांत महाजन व आरक्षक हरिनारायण सिंह को रवाना किया गया। उक्त टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से अज्ञात आरोपियों की तलाश रतलाम व नीमच में की, जिससे आरोपियों के तार राजस्थान के भीलवाड़ा तक जुड़े हुए पाए गए। टीम ने राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा थाना क्षेत्र में आरोपियों की सघनता से तलाश की तो आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर में होना पाए गए, जहां पर पुलिस द्वारा पहुंचकर आरोपी दिनेश उर्फ कालिया पिता गोवर्धन लाल परमार उम्र 47 वर्ष निवासी पवनपुत्र नगर इंदौर व इमरान पिता जलील खां जाति पठान उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया। आजाद न्यूज के लिए झिरनिया से सेठी हिरवे की रिपोर्ट।